तेलंगाना हाईकोर्ट ने शिया मुसलमानों के अखबारी संप्रदाय की महिलाओं को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हैदराबाद के दारुल शिफा में स्थित इबादत खाने यानी कि मस्जिद में इन महिलाओं को नमाज अदा करने के अधिकार को बरकरार रखा है। अखबारी समुदाय की महिलाओं के एक संगठन की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला लिया है। याचिका में ये मांग की गई थी कि अखबारी समुदाय की महिलाएं मस्जिदों में जश्न, नमाज और बाकी धार्मिक कामों में शामिल हो पाए, इसकी परमिशन दी जाए। मस्जिद की गतिविधियों में महिलाओं को शामिल किए जाने की मांग अंजुमने अलविशिया इमामिया इतना अशरी अखबारी रजिस्टर सोसाइटी ने उठाई थी। इसके लिए उन्होंने याचिका दायर की थी। महिलाओं की इस याचिका के खिलाफ तेलंगाना का वक्फ बोर्ड था। अब ये जान लीजिए कि मस्जिद में नमाज अदा करने पर क्या विवाद है। याचिकाकर्ता सोसाइटी ने पहले अक्टूबर 2023 में तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड से शिया मुस्लिम महिलाओं को धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। सामने से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता के वकील पी वेणुगोपाल ने अदालत में यह तर्क दिया कि अखबारी संप्रदाय की महिलाओं को मस्जिद आने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25(1) में मिले उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जो समानता और धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी भी देता है। अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है कि कानून प्रणाली में किसी के साथ भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और रोजगार के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोग कानून के सामने समान हैं। जबकि अनुच्छेद 25 ये कहता है कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने, प्रार्थना करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। याचिकाकर्ता सोसाइटी के विरोध में वक्फ बोर्ड की ओर से एडवोकेट अबू अकरम ने कहा कि धार्मिक भावनाओं और पुरानी परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसके लिए किसी विशेष धार्मिक ग्रंथ का हवाला नहीं दिया। अब अदालत ने क्या फैसला सुनाया है वो भी जान लीजिए। मामले की सुनवाई जस्टिस नागेश भीमपाका कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पवित्र कुरान में महिलाओं को नमाज के लिए इबादत खाने में जाने से मना नहीं किया गया है। उन्होंने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि प्रकृति के अनुसार महिलाओं के लिए आराम का समय माना गया है और उस विशेष समय को छोड़कर नमाज पढ़ने पर कोई भी रोक नहीं है। जस्टिस भीमपाका ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर मामले का हवाला दिया, जिसमें महिलाओं के पूजा स्थलों में प्रवेश के अधिकार को बरकरार रखा गया था। फैसले में हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के 2007 के उस आदेश का भी जिक्र किया है, जिसमें शिया मुस्लिमों के उसूली समुदाय की महिलाओं को मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने पर लगी रोक हटा दी गई थी। हाईकोर्ट ने ये कहा कि अखबारी संप्रदाय की महिलाओं को उसूली महिलाओं जैसी छूट नहीं मिलती है तो ये भेदभाव होगा। अखबारी संप्रदाय की महिलाओं के इस मामले पर दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश भी जारी किया था और तब भी कोर्ट ने महिलाओं को मस्जिद के अंदर नमाज के लिए जाने के पक्ष में फैसला दिया था। हालांकि इस आदेश के खिलाफ वक्फ बोर्ड कोर्ट पहुंच गया था। हालिया फैसले में कोर्ट ने फिर अखबारी महिलाओं के अधिकारों को स्पष्ट कर दिया है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।